चलिए नमस्ते दोस्तों, सुपर संडे में आपका स्वागत है। आज हम एक साइंस का एक छोटा सा पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं, है ना, जिसको हम चैप्टर के नाम है घर्षण। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लिया जाए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ से लेकर आए जाते हैं। हम बात करते हैं ना कि घर्षण क्या है, तो हम लोग का एक बात दिल में याद रखना चाहिए, घर्षण एक प्रकार का बल है, है ना। पॉइंट से बात को समझिएगा, घर्षण एक प्रकार का बल है, है ना। यहाँ पर आपको सोचना है कि बल होते क्या है, अब बल क्या चीज है, है ना। उसके बाद आपको बता दें कि घर्षण गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। ध्यान से देखिएगा, घर्षण गति का विरोध करता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखें सारे के सारे लोग, यह इतनी इम्पोर्टेंट है ना। अब जितने भी पेपर देने वाले हैं, चाहे जिसमें नीट का हो, जेई हो, या आपका किसी भी लेवल का पेपर हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछता है पहले घर्षण क्या है, तो घर्षण एक प्रकार का बल है, वो काम का करता है, तो गति का विरोध करता है, हमेशा गति का विरोध करेगा। अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो घर्षण आपका पीछे लगेगा, है ना। मतलब ऐसा रिश्ता ना कि आप अच्छे काम करने जा रहे हैं लेकिन यह आपको क्या कर दे रहा है, रोक रहा है, विरोध कर रहा है आपका, है ना, हमेशा आपका विरोध करता है। एक बात याद रखिएगा, यह हमेशा गति के विपरीत होता है, गति के विपरीत होता है, है ना। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन लाया गया है, है ना। पॉइंट टू रिमेंबर, बात को समझिएगा, एक सेंस यहां से प्रश्न निकल कर आ रही है कि अगर बल हमारा पूर्व की दिशा में है तो घर्षण क्या होगी, तो पूर्व की दिशा में बल है तो पश्चिम की दिशा में क्या होगी, घर्षण होगी। बात समझ में आ रही हो, तो पॉइंट से क्वेश्चन समझिएगा फिर से। घर्षण एक प्रकार की बल है जो गति का हमेशा विरोध करता है, यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है, है ना, हमेशा गति के विपरीत दिशा में होगा, ठीक ना। माइंड को दम दिमाग पर याद रखिएगा, जो प्रश्न हम बता रहे हैं, है ना। घर्षण को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, है ना। पॉइंट्स एकदम, एक एक शब्द को निचोड़ कर पढ़िए, चीजें होते क्या है और किस रूप में घर्षण हमारे पास सामने आते हैं, है ना। फिर से मेरे साथ बात को समझिएगा, है ना। घर्षण एक प्रकार की बल होती है, यह गति का विरोध करता है, यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में होगा। घर्षण हम आवश्यकता अनुसार बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। घर्षण को कम कर सकते हैं स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक क्या है, हम आज की क्लास में इसको भी क्लियर करेंगे कि स्नेहक है क्या, है ना। यहां तक बात को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अब देखिए इस साइड में, है ना, यहाँ पर हम चीजों को बता रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर, इतने बात को आप शॉर्ट स्केल ले सकते हैं या तो आप इसको फिगर में बना सकते हैं, है ना। देखिए अभी तो हमने आपको जो बताया उस सब बात को समझिए। देखिए, यह कोई एक प्रकार का पथ है, मतलब कोई रास्ता है यहां पर, है ना। ध्यान से मेरे दोस्त देखिएगा, सारे के सारे लोग इसको जबरदस्त क्लासेस है, है ना। साइंस का वीडियो हम पार्ट बाई पार्ट लाएंगे, ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू में पृष्ठ तनाव और किस नली आएगी, यानी कि आपको पार्ट बाई पार्ट 15-16 मिनट के वीडियो से हम आपको साइंस की हर वो नॉलेज दे देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होगी, बहुत ही जरूरी होगी, ठीक ना। यहाँ पर एम नाम का कोई एक वस्तु है, है ना। पॉइंट नंबर, बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अगर इस दिशा में एम गति कर रहा है, ध्यान से देखना बाबू, इस दिशा में एम गति कर रहा है तो इनके विपरीत हमेशा क्या होगी, घर्षण होगी, है ना। हमने आपको यही बात
जब स्टार्ट की क्लास को तब से बता रहे हैं कि अगर इस दिशा में गति है, अगर इस दिशा में कोई वस्तु जा रही है तो घर्षण इसकी कहाँ होगी? विपरीत होगी। घर्षण इसकी कहाँ होगी? विपरीत होगी, है ना। पॉइंट टू बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से प्रश्न आपको निकल कर आती है, आप यहाँ से देखने की चेष्टा करें। घर्षण क्या है? घर्षण एक प्रकार की बल है, यह हमेशा गति का विरोध करता है, हमेशा गति का विपरीत रहता है। अब हम लोग देखते हैं ना टाइप्स ऑफ घर्षण, मैंने घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। हम बोर्ड को तब तक साफ कर ले रहे हैं, है ना। चलिए अब अगले क्लास के देखते हैं। देखिए घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ से प्रश्न ज्यादातर हम लोग से आते हैं और अधिक प्रश्न किए जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चीज को सिखा ना कि घर्षण एक प्रकार की बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है। अगर गति इस दिशा में है तो घर्षण इस दिशा में रहेगा, है ना। दिमाग से प्रयोग कीजिए। साइंस के क्लासेस पार्ट बाई पार्ट हम लेकर आएंगे। अगर आपको क्लास पसंद हो रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा कि सर पार्ट बाई पार्ट वीडियो लेकर आइए, है ना। इस देखिए घर्षण के प्रकार देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, स्थैतिज घर्षण को। स्थैतिज घर्षण क्या है? यह घर्षण तब लगती है जब वस्तुएं खड़े हो, है ना। चाहे कोई व्यक्ति हो, जैसे हम खड़े हैं, हम स्थिर अवस्था में हैं, है ना। स्थिर अवस्था में है ना, तो उस समय हमारे ऊपर स्थैतिज घर्षण लग रहा है, जैसे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक ना। अब चित्र में ध्यान से देखिए कि स्थैतिज घर्षण जब कोई व्यक्ति स्थिर खड़ा हो, मतलब हम और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उस समय हमको कौन सा बल लगेगा, मतलब घर्षण लगेगा, स्थैतिज घर्षण। हम यहां लिख दे रहे हैं कि क्या हो, स्थिर हो। किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में, है ना। स्थिर अवस्था में हम लोग के ऊपर घर्षण बल लग रहे हैं। आप फिगर में बढ़िया से देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं सीमांत घर्षण की। सीमांत घर्षण क्या है? सीमांत घर्षण तब लगता है ना जब वस्तु गिरने की सिचुएशन में हो, मतलब वो गिरा नहीं है, इस प्रकार से लुढ़कने की स्थिति में हो, है ना। उस स्थिति में लगता है कौन? सीमांत घर्षण। डायरेक्ट पूछता कि एक व्यक्ति किसी नदी के किनारे गिरने के पोजीशन पर था, उसमें कौन सा घर्षण लगता है? तो याद रखिएगा सीमांत घर्षण, लुढ़कने की स्थिति में। आप फिगर को देख लीजिए, आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि सीमांत घर्षण क्या है, है ना, कि वस्तुएं क्या है, लुढ़कने के स्थिति में है, है ना। गिरा नहीं है सर, वो अभी गिरने वाला है, उस स्थिति में क्या लग रहा है? सीमांत घर्षण लग रहा है। अब बात कर ले लुटकनी घर्षण की, है ना। लुटकनी घर्षण की, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यह ऐसा घर्षण है ना कि जब कोई वस्तु लुढ़क 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 कर गिर रहा हो, है ना, मतलब वो क्या हो रहा है, लुढ़क 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 गिरते हैं, जैसे सीढ़ी पर हम लोग गिरते हैं ना, एक दो तीन चार लुढ़क 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 के गिरते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता था कि पहाड़ पर से हीरो हीरोइन पूरा लुढ़क 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 के गिरते हैं, ठीक ना। तो वो लगता है कौन? लुटकनी घर्षण की स्थिति में, है ना, ठीक ना। आप फिगर में देख सकते हैं, ये लगेगा लुढ़क, यहाँ लुढ़कने की स्थिति में यहाँ लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे हैं, लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे हैं। याद रखिएगा लुढ़क लुढ़क के गिर रहे हैं तो कौन सा? लुटकनी घर्षण, है ना। लुढ़कने की स्थिति में सीमांत घर्षण, और स्थैतिस में स्थिर में, है ना। ये तीनों आपके दिमाग में याद होना चाहिए। एक, जब खड़े रहते हम लोग तो कौन सा? एस्थेटिक्स। दूसरा, लुढ़कने की स्थिति में। तीसरा, लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे हैं। अब देखिए एक बढ़ गया सर्पी घर्षण, यानी कि गतिज घर्षण। ये तब लगता है ना, आप लोग फिगर देख लीजिए, हम आपको फिगर में दिखला रहे हैं, या तब लगता है ना जब कोई वस्तु फिसल रहा हो। याद है ना कि बचपन में हम लोग स्कूल में क्या करते थे ना, कि सरकारी विद्यालय में या कहीं पे भी, चाहे जो हम लोग शहरों में पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक झुलुआ लगा रहता है, इस प्रकार से हम लोग बैठ कर तुरंत स्लाइड कर जाते थे, छलक जाते थे, फिसल जाते हैं। फिसलने की स्थिति में अगर कोई बल लग रहा है, वो कौन सा? घर्षण बल लग रहा है। उस स्थिति में घर्षण बल लग रहा है। ये चारों के चारों अपने दिमाग में फिगर के इमेजिंग करके आप इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अब इसको डलियम बोर्ड को साफ कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्या घर्षण से लाभ है और क्या घर्षण से हम लोग को हानि है। ये
ये जो कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं ना, आप जब सेट लगाइएगा ना, या चाहे आप किसी क्लास को रोटेटेड कर रहे हैं ना, तो वहां से आपके ये क्वेश्चन जबरदस्त कंसेप्ट में आपको मिलने वाली है, है ना। तो दिमाग का प्रयोग कर दीजिएगा ना, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं और अच्छे से आंसर इसके ला सकते हैं, है ना। अब बात को देखते हैं हम लोग सर जी, घर्षण से हानि क्या है। घर्षण से हानि तो सर हम लोग का है, कैसे, हम बर्फ पर नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, बताइए तो आप लोग क्या बर्फ पे चल सकते हैं। घर्षण से ये हम लोग कहानी है ना कि हम लोग बर्फ पर नहीं चल सकते हैं, या पानी पानी या बालू पर हम लोग नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। रिमाइंडेड बात को याद रखिएगा, जिस तरह हम आपको बात बता रहे हैं ना, अपने दिमाग में डालने की कोशिश कीजिएगा। फिर से, हम बर्फ पर नहीं चल सकते हैं, यह घर्षण हम लोग के लिए क्या है, हानि है। पानी और बालू पर हम नहीं चल सकते हैं, यह भी घर्षण हम लोग के लिए क्या है, हानि है। घर्षण हम लोग के लिए क्या है, हानि है, है ना। एक एक प्रश्न को दिमाग में डालते हुए देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सर क्या कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, किस रूप में सर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। उसके बाद इससे लाभ क्या है, घर्षण से लाभ क्या है, तो याद रखिए ना, घर्षण के कारण ही मनुष्य और गाड़ियां मनुष्य और गाड़ियां पृथ्वी पर चल सकती है ना। ये हम लोग के लिए घर्षण से लाभ है। अगर घर्षण नहीं होता ना, तो हम पृथ्वी की सतह पर नहीं चल पाते, हम अपना प्रयोग खराब कर जाते हैं। हानि क्या है, तो हम सर जी पानी बालू पर नहीं चल सकते। अब देखिए ना, घर्षण कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्नेहक का। स्नेहक क्या क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिए, घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक में हमारा आ जाएगा सर तेल, ग्रीस समझते हैं ना, ग्रीस, मोबिल अरे साइकिल उकल मोटरसाइकिल में हम लोग डालते हैं ना, वो घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्नेहक बहुत जरूरी है। अगर साइकिल कड़ा चलने लगा तो हम लोग क्या करते हैं, घर में पंखा हो, गेट हो, केवाड़ी हो, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, मोबिल या ग्रीस डालते हैं कि थोड़ा सा क्या चलने लगे, ढीला चलने लगे, है ना। ये हमारे पास घर्षण का टोटल कंसेप्ट थे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, एक होता है घर्षण गुणांक पर भी हम बात करेंगे। ये पार्ट साइंस का वन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर आप लोग अपना राय दीजिएगा तो बताइएगा क्या इसी तरीके से वीडियो पार्ट बाई पार्ट हम आपके सामने लेकर आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आई होप आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू। ये बताइएगा कि सर अगला वीडियो लेकर आप आइए। थैंक यू।